एक बार ईस्टर की करवा दो। एस्टर तो करवाया था कल, लास्ट लेक्चर में भी हम डन एस्टर। करवाया था सर, एक बार रिपीट कर दो थोड़ा सा प्लीज। एस्टर का बेसिकली एल्काइल एल्कोनोएट है, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। सबसे पहले आपको ये समझना होगा, इसको R1 बोलो, इसको R2। इसकी सिंथेसिस कैसे करते हैं हम लोग? R1 कार्बोक्सिलिक एसिड से आया है और R2 आपका एल्कोहल से आया है। सर जो आपने लास्ट में करवाए थे ना, और एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप ऐड करके वो वाला करवा दो। हाँ अभी बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे आएंगे, एस्टर वाले भी आएंगे, डोंट टेक वरी अबाउट दैट। R1C डबल बॉन्ड O R2। तो इसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो। ये पहले लिखते हैं और ये वाला पार्ट बाद में लिखते हैं, और कॉम्प्लिकेटेड पार्ट इधर रहेगा आपका। जितना कॉम्प्लिकेटेड पार्ट रहेगा वो इस साइड लेना है, अल्काइल साइड सिंपलेस्ट पॉसिबल लेना है। बस इतना ही सोचना है। और इसके नाम जब प्रिंसिपल चेन का हिस्सा होगा, इसका कार्बन, ये वाला कार्बन एल्केनोएट वाला, तो ओएट लगाएंगे, लेकिन प्रिंसिपल चेन का हिस्सा नहीं होगा ये वाला कार्बन, तो कार्बोक्सिलेट लगाएंगे, दैट्स ऑल। और जब सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में दिखाई देगा तो एल्कोक्सी कार्बोनिल एल्काइल कार्बोक्सिलेट, एंड आप एल्केनोइल ऑक्सी, ये सब यूज करेंगे। किस टाइम पे क्या यूज करेंगे बस वो हमें देखना है। अब जानने की जरूरत सिर्फ इतनी है, रेस्ट एवरीथिंग इज जस्ट केस डिपेंडेंट। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, लेट मी टेक सम रैंडम एग्जांपल, दूसरे फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व करके। मान लो मैं इससे सीनियर फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर देता हूं, देखो बच्चों ये भी एस्टर फंक्शनल ग्रुप है, ये भी एस्टर है, और ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो जब मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप हो किसी में, तो एक को सेकेंडरी सफिक्स के लिए सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप कंसिडर किया जाता है, और वो सीनियरिटी ऑर्डर आप लोग जानते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे आगे है इनमें, तो ये सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप हो गया। सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप जिस प्रिंसिपल चेन से जुड़ा हुआ, वो 6 मेंबर की साइक्लिक चेन है। तो प्रिंसिपल चेन हमारी सिलेक्ट हो चुकी, सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप सिलेक्ट हो चुका, बाकी सब फंक्शनल ग्रुप क्या कहलाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट कहलाएंगे। तो जो मैंने एनसर्किल किए हैं ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स में आएंगे। यहां पे कार्बोनिल जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे इथॉक्सी कार्बोनिल, यहां पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे प्रोपेनाइल ऑक्सी, एल्केनोइल ऑक्सी में हो गया, यहाँ पे 3 कार्बन है तो प्रोपेनोइल ऑक्सी हो गया। यहाँ पे एल्कोक्सी कार्बोनिल की जगह पर इथॉक्सी कार्बोनिल स्पेशली हो गया इन दिस केस। तो इनके नाम तो आप लोग जानते हैं सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में, इसका नाम हो गया इथॉक्सी कार्बोनिल, इसका नाम हो गया प्रोपेनोइल एल्केनोइल ऑक्सी जो हम यूज करते हैं, प्रोपेनोइल ऑक्सी R, ये हो गया इथाइल। ये प्रोपेनोइल भी हो सकता था AN की बजाय EN, अगर यहाँ पे पाई बॉन्ड वगैरह कुछ होते तो, वो तो आप लोग जानते हैं, नॉट ए बिग डील। अब इसकी नंबरिंग करना हमारा काम रह गया। इसका नाम कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा क्योंकि कार्बन जो टर्मिनल ग्रुप है, तो
और जब टर्मिनल ग्रुप का गिने चुने टर्मिनल ग्रुप है, यहां पर इसका नंबरिंग छोटा छोटा करेंगे। ओपन चेन में टर्मिनल के ऊपर आते हैं, मैं ओपन चेन की बात कर रहा हूं, तब वो टर्मिनल के ऊपर आते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड इसका सेकेंडरी सफिक्स के फॉर्म में यूज करेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स के फॉर्म में ये नाम रहेंगे इनके। अब बस नेमिंग के रिगार्डिंग हमें सारी चीज आती है एक्सेप्ट लोकेंट्स, यानी कि नंबरिंग बाकी है। तो नंबरिंग किस तरह करते हैं, नंबरिंग का हम देखते हैं सबसे पहले सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप को छोटा छोटा नंबर हो, फिर मल्टीपल बॉन्ड्स को छोटा छोटा नंबर हो। मल्टीपल बॉन्ड में नंबरिंग करते टाइम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में प्रीफर करने की जरूरत पड़े तो लास्ट में डबल बॉन्ड को प्रीफर करेंगे। फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट का छोटा छोटा नंबर हो, और फिर भी अगर बराबर हो जाए बात तो आप लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे एट लास्ट। ओके, तो वन तो यहां से स्टार्ट करेंगे, इसमें कोई दोराई नहीं। अब दो रास्ते हैं हमारे पास, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। यहां से जाएं तो 2, 3, 4, 5 आएगा इनका लोकेंट्स, यहां से 2, 3, 4 आएगा। तो ऑफकोर्स मैं नंबरिंग यही फाइनलाइज करूंगा, क्यों, क्योंकि लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल हम लोग जानते हैं। अगर आप इतना देख चुके हो बच्चों, तो इसके बाद आईयूपीएसी नेम लिखने में कुछ बचा ही नहीं है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले कौन बाद में लिखना है वो तो आप लिख लेंगे, वो कोई बड़ी चीजें नहीं होती, वो तो एलकेजी यूकेजी का बच्चा भी कर लेता है। हाँ, वो सिली मिस्टेक से आप गलती कर दो एग्जाम में, दैट इज ऑल टूगेदर डिफरेंट थिंग, बट वो सबको आता है। आने और नहीं आने की बात कर रहा हूं मैं, सबको चमकती है वो चीज, क्योंकि वो बहुत आसान चीज है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो इसका नाम ई से स्टार्ट होता है, इसका नाम पी से स्टार्ट होता है। लोकेंट के हिसाब से नहीं लिखते आईयूपीएसी नेम में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से सेकेंडरी प्रीफिक्स को लिखते हैं, और प्राइमरी सफिक्स को भी ऐसे ही लिखते हैं एज यू नो। तो ई पहले आएगा, 4 हो गया इथोक्सी कार्बोनिल, 3 पे हो गया आपका स्पेशल करेक्टर या लेटर और नंबर के बीच में हाइफन लगाते हैं, फिर हो गया प्रोपेनोयल ऑक्सी प्रोपेनोयल ऑक्सी, ये तो सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया। अब हम प्राइमरी प्रीफिक्स की बात करते हैं, वो साइक्लिक अगर प्रिंसिपल चेन है तो प्राइमरी प्रीफिक्स यहाँ पे साइक्लो आ जाएगा। फिर हम वर्ड रूट हेक्स यूज करेंगे, और प्रिंसिपल चेन ये है 6 मेंबर की हेक्स वाली, तो सब में सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स एन लिखेंगे। और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एसिड दूसरा वर्ड है, बाकी आप लोग बिल्कुल चिपका के लिखें। देखो यहां से यहां तक है आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये प्राइमरी प्रीफिक्स, ये आपका वर्ड रूट, और ये आपका प्राइमरी सफिक्स, और ये है आपका सेकेंडरी सफिक्स। दिस इज योर आईयूपीएसी नेम, दिस इज योर आईयूपीएसी नेम। मैं एक एग्जाम्पल और ले लूं, जस्ट ये तो सीनियर मोस्ट बन ही नहीं पाए तो ओएट और कार्बोक्सिलेट यूज होगा ही नहीं, या तो सेकेंडरी प्रीफिक्स है तो सेकेंडरी प्रीफिक्स की सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में तो दो ही नाम है, एल्केनोइल ऑक्सी एंड एल्कोक्सी कार्बोनिल, मैंने दोनों यूज कर लिए एक ही क्वेश्चन में। क्वेश्चन इज फ्रेम्ड दैट वे कि जो मैसेज मैं देना चाहता हूं एक साथ दे दो। अब मैं चाहता हूं सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप पर सब्स्टिट्यूएंट वगैरह और लगा लीजिए,
और स्पेशल नेम में यूज करना चाहता हूं। देखो इसमें कीटोन है, हेलोजन है और एस्टर है, तीन चीज हैं। आप लोग इसमें एस्टर को सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप लेके चलेंगे क्योंकि सीनियरिटी ऑर्डर में कार्बोक्सिलिक एसिड उसके डेरिवेटिव सबसे पहले आते हैं। ये हेलोजन तो कभी भी सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी सफिक्स की फॉर्म में नहीं आ सकता, तो एस्टर है। एस्टर का जब भी आप सेकेंडरी सफिक्स की फॉर्म में नाम लिखो तो ऑक्सीजन के इधर वाला एक तरफ कर लो और बाकी का नाम एक तरफ कर लो। ये जब भी सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में कंसीडर होगा एस्टर, तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर ले आप इन योर थॉट प्रोसेस, जिस तरह मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है उस तरह हाईलाइट करने की जरूरत नहीं, आपके दिमाग में हाईलाइट होना चाहिए। ओके, अब इसका नाम तो एल्काइल और इसका नाम एल्केनोइड, जनरल जो ट्रेंड से अब चेंज होता रहेगा डिपेंडिंग ऑन। अब ये जो टर्मिनल ग्रुप है एस्टर वाला, उसका कार्बन प्रिंसिपल चेन का हिस्सा नहीं है क्योंकि प्रिंसिपल चेन हम ये लेके चल रहे हैं। इसकी नंबरिंग करेंगे वो यहां से वन, अब यहां जाए यहां जाए ऑफकोर्स इधर से जाएंगे क्योंकि छोटे छोटे लोकेंट देने, उधर से बड़े लोकेंट आएंगे। ये आपके सब्स्टिट्यूएंट हो गए, तो सबसे पहले लिखो इस एल्काइल का, एल्काइल का नाम हो गया साइक्लोब्यूटाइल। फिर बाद में एक साथ हम लिखेंगे पूरे इसका नाम, थ्री के ऊपर ब्रोमो है, टू के ऊपर ऑक्सो या केटो है, तो लिखो थ्री ब्रोमो टू ऑक्सो या केटो, कुछ भी लिख दो। ऑक्सो या केटो लिखोगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर ओ और के का अलग अलग रहेगा, तो वो आप देख सकते हैं, दैट इज अ वेरी स्मॉल थिंग। और मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आगे पीछे भी लिख दूं तो आप अरेंज कर लेना क्योंकि आप कर लोगे। थ्री ब्रोमो टू ऑक्सो, ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। अब हो गया साइक्लोब्यूटेन, और वन के ऊपर हो गया, इस बार ओएट नहीं कार्बोक्सिलेट यूज करेंगे। अच्छा, इस एक कार्बन है तो इसकी जगह पर कार्बोक्सिलेट की जगह पर मिथेनोइट भी लिख देते हैं कुछ जगह, तो बट दैट इज वेरी वेरी रेयर, फॉलो दिस। तो ये इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। आई होप यू गॉट अ गुड आइडिया। यस सर, क्लियर हो गया। ओके, तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एस्टर वाला जो फंक्शनल ग्रुप है वो सीनियर मोस्ट सेकेंडरी सफिक्स की फॉर्म में यूज हो रहा है, तो दो पार्ट में डिवाइड कर दें, जिस तरह उसकी सिंथेसिस होती है एस्टरीफिकेशन रिएक्शन में एल्कोहल और एसिड से बनता है, तो एल्कोहल वाला एल्काइल रह जाता है और एसिड वाला कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बोक्सिलेट या एल्केनोएट रह जाता है। जनरल जो कॉमन नेम हम आर एल्काइल ग्रुप लगाकर देखते हैं। अब एल्काइल की बजाय ये आ गया सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल आ गया, साइक्लो एल्काइल आ गया इस लास्ट एग्जांपल में, वो चेंज होता रहेगा और उसके बारे में आप लोग जानते हैं, दैट इज नॉट ए बिग डील। मैं तो सिंपल आर एल्काइल ग्रुप लेके जनरल नेम लिखता हूं। ओके बच्चो, अब हम आईयूपीएसी नेमिंग की प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हैं। कुछ कुछ कॉमन नेम भी मैं बताता रहूंगा। आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ, अब इजी इजी आएंगे आपको, ईथर्स ऑल आर इजी, अच्छे वाले हम लोग पहले कर चुके हैं। तो ईथर में दोनों साइड कार्बन होता है, दोनों साइड हाइड्रोजन हो तो वाटर हो जाता है, एक साइड हाइड्रोजन एक साइड कार्बन हो तो एल्कोहल हो जाता है या फिनोल भी हो सकता है। एक साइड एल्कोहल एंड फिनोल अलग अलग सोचो क्योंकि अलग अलग फंक्शनल ग्रुप कंसीडर किए जाते हैं ऑर्गेनिक में, इसलिए मैं सेपरेटली बोल रहा हूँ। एक साइड और दोनों साइड अगर कार्बन है तो ईथर हो जाएगा, तो यहाँ पे कार्बन रहेगा जनरल अगर हम बोले।
अब बची हुई जो फ्री वैलेंसी है वहां पे कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन कार्बन या सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, तो और NO2 NO2 Cl ये सब भी आ सकते हैं। सेकेंडरी सफिक्स की फॉर्म में आप कुछ यूज ही नहीं करते हैं, सिंपल जो आपका सेकेंडरी सफिक्स सिर्फ इथर हो और कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं हो तो सेकेंडरी सफिक्स इन्फेक्ट आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि इथर आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट। इथर वाला फंक्शनल ग्रुप हरदम सेकेंडरी प्रीफिक्स में यूज होता है, उसको IUPAC ने हक ही नहीं दिया। एल्कोक्सी के नाम से आप लोग जानते हैं, मिथोक्सी इथोक्सी में बता चुका हूं पहले ही आपको, तो ये इसी की फॉर्म में ही यूज होगा एल्कोक्सी। जनरल में बोलूं R1O R2, तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लें, एक ये मान लो इसमें लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, नंबर ऑफ कार्बन्स यहां पे लेसर लिख दिया तो इसमें हायर नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे, वो लिखने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो लेसर इधर लिख दिया, तो इसको मैं जो कम नंबर ऑफ कार्बन एटम का होगा उसको हम सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में लेंगे, एल्कोक्सी बोलेंगे। तो ये तो हो गया एल्कोक्सी, और इसमें वर्ड रूट आएगा एल्केन, तो इसका जो जनरल नेम है आर अगर एल्काइल ग्रुप है तो एल्कोक्सी, एल्कोक्सी ये होगा लेस नंबर वाला, एन एल्क एन आपका ज्यादा नंबर वाला हो जाएगा। ये जनरल नेम है, जनरल IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड जो मैंने यहां पे लिखा है R1 R2 एल्काइल ग्रुप लेते हुए, एल्कोक्सी एल्केन, ठीक है, एल्कोक्सी एल्केन। रेस्ट इज प्रैक्टिस। CH3 O CH3 नाम लिखते रहे, कीप ऑन राइटिंग नेम्स। Extremely easy examples I am taking at the outset. A for apple, B for ball. बहुत आसान। साइक्लिक चेन इन्वॉल्व कर लेते हैं, बताओ दोनों साइड बराबर कार्बन है तो किसी को भी सेकेंडरी प्रीफिक्स एल्कोक्सी ले लें, तो ये हो जाएगा मिथोक्सी, और दूसरे साइड प्रिंसिपल चेन एक कार्बिन के तो मिथ एन तो लगाएंगे प्राइमरी सफिक्स, ये इथोक्सी इथेन क्योंकि दोनों साइड कार्बन बराबर हैं, इथोक्सी इथेन हो जाएगा, पर इस बार कार्बन छोटे हैं तो ये सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में लेंगे मिथोक्सी इथेन, ये छोटा है तो मिथोक्सी प्रोपेन, ये बड़ी चेन है ये छोटी चेन है तो हम बोलेंगे
इस बार नंबरिंग हम लोग करेंगे, ये प्रिंसिपल चेन ये हो गई, तो 1 2 3, हाँ यहाँ पर 1 2 3, तो इसको 1-methoxy बोलेंगे। यहाँ पे कहीं से भी रख लो, 1 लिखो या मत लिखो फर्क नहीं पड़ता यहाँ तो, क्योंकि इथेन में किसी एक कार्बन पे होगा और वो 1 ही लेंगे क्योंकि और सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं, तो यहाँ पे 1 लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं प्रोपेन के ऊपर मेथॉक्सी लगा रहा हूँ, प्रोपेन के ऊपर सब्स्टिट्यूट लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 बाकी पूरा नाम सेम है यही वाला मेथॉक्सी प्रोपेन। यहां पर हम देखेंगे सीवियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, तो उसके बाद मल्टीपल बोर्ड है ही नहीं, तो सबसे ज्यादा कार्बन एटम वाली लंबी से लंबी चेन प्रिंसिपल चेन होगी, तो प्रिंसिपल चेन ये हो गई, 2 इधर है 2 इधर है, तो अब इसकी नंबरिंग करेंगे हम, तो ये आपकी साइड चेन हो गई प्रिंसिपल चेन सबसे लंबी। अब नंबरिंग की बारी आती है, नंबरिंग करेंगे तो ऑफकोर्स इधर से करेंगे क्योंकि छोटा छोटा नंबर इधर से ही मिलेगा, 4 5 6, तो ये हो गया 3-ethoxyhexane, 3-ethoxyhexane, 3-ethoxyhexane। अब इधर हम बात करते हैं इस कंपाउंड में क्या कोई सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है, नहीं, हेलोजन और एल्कोक्सी तो हरदम सेकेंडरी प्रीफिक्स की फॉर्म में आते हैं, तो एसएस वाला कोई है नहीं। फिर दूसरे नंबर मल्टीपल बॉन्ड देखते हैं, मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है। तीसरे नंबर पे सबसे बड़ी चेन प्रिंसिपल चेन, सबसे बड़ी चेन हो प्रिंसिपल चेन हो, तो यहाँ पर प्रिंसिपल चेन तो 6 मेंबर की हो गई। अब इसकी नंबरिंग करनी है, प्रिंसिपल चेन तो सिलेक्ट हो चुकी, अब नंबरिंग करनी है, तो ये सारे सब्स्टिट्यूएंट हो गए आपके, सब्स्टिट्यूएंट होते ही ये तो फिक्स ही रहे, हैलोजन एंड एल्कोक्सी आर हैलोजन इथर तो हम सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में कंसीडर होते हैं व्हाइल राइटिंग आईयूपीएसी ने। अब इसकी नंबरिंग क्या, तो 1 यहां से स्टार्ट करें या 1 यहां से स्टार्ट करें। यहां पे इसका नाम इथोक्सी है सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में, इसका नाम क्लोरो है सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में, इसका नाम ब्रोमो है सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में, तो बताओ बी सबसे पहले आते हैं, 1 2 3 1 2 3 इधर से जाएंगे तो भी 1 2 3, इधर से जाएंगे तो भी 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, इधर से स्टार्ट करें 1 और यहां जाएं एंटी क्लॉकवाइज जाएं, 1 2 3 6 इधर आ जाएगा तो भी 1 2 3 रहेगा, तो सेट ऑफ लोकेट के हिसाब से तो यही है। लेकिन अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम लोग देखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे तो ब्रोमो पहले आता है, तो जो नंबरिंग है वो सही है, ठीक है। तो अब इसका नाम शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वैसे बोल देता हूं वर्बली, 1-bromo-2-chloro-3-ethoxy-cyclohexane, एक्सट्रीमली इजी। अब इसमें 2-2 एल्कोक्सी ग्रुप है, नो इश्यू, ये प्रिंसिपल चेन हो जाएगी 1 2 3, ये इथोक्सी और ये भी इथोक्सी, तो 1 3 डाई इथोक्सी हो गया, 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गए, और बाद में वर्ड रूट हो गई प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, दिस इज योर आईपीएसी नेम, ठीक है बच्चों, वेरी वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। इथर्स की नोमेनक्लेचर में कोई दम नहीं है। अब मैं साइक्लिक इथर्स इपॉक्साइड्स की बात करता हूं, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ इपोक्साइड्स, आप लोग जानते हैं इपोक्साइड्स को भी हम सेकेंडरी प्रीफिक्स में लेते हैं साइक्लिक ईथर्स, ईथर सेकेंडरी प्रीफिक्स में होते हैं, सेकेंडरी सफिक्स नहीं बनते हैं। ये आपका इथाइलीन हो गया कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम इथीन, एल्कीन का कॉमन नेम एल्काइलीन हो जाता है, YL आ जाता है वैसे एल्कीन की स्पेलिंग में, कॉमन नेम लाना हो तो इसको इथाइलीन
हाइड्रोकार्बन बाइवेलेंट ग्रुप बोलते हैं। अगर ऑक्सीजन यहाँ पे लगा दें तो इसके बहुत सारे कॉमन नेम होते हैं, इसको इथीन ऑक्साइड या इथाइलीन ऑक्साइड भी बोलते हैं, इथाइलीन ऑक्साइड, इथीन ऑक्साइड, इसको इथाइलीन इपॉक्साइड भी बोलते हैं, इपॉक्साइड भी सिर्फ बोल देते हैं, ये सब कॉमन नेम्स हो गए, ट्रिवियल नेम्स। अगर आईयूपीएसी नेम्स देखें तो हम लोग बोलेंगे इसको इपोक्सी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इपोक्सी बोलते हैं, और हरदम सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में यूज होता है। वन और टू है, वन टू बोलने की जरूरत नहीं है, और कोई नंबरिंग है ही नहीं इधर, तो इसको वन टू इपोक्सी, अगर फिर भी लिखना चाहो तो लिख दो वन टू इपोक्सी, ये तो सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में ले लिया। और बाकी सर, एथेन, सर इथर और एलाइड में कौन ज्यादा सीनियर है? कोई भी सीनियर जूनियर है ही नहीं, मैंने एक नोट लिखवाया था इफ यू रिमेम्बर, सेकेंडरी प्रीफिक्स में सीनियरिटी ऑर्डर कुछ नहीं होता, वहां पे सिर्फ अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है। तो इपोक्सी में ई आ रहा है, ब्रोमो में बी आ रहा है, क्लोरो में सी आ रहा है, ब्रोमो में आइडो में आई आ रहा है, फ्लोरो में एफ आ रहा है, देख लीजिए आप, सिंपल। कोई सीनियरिटी ऑर्डर नहीं होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स में, सेकेंडरी सफिक्स में सीनियरिटी ऑर्डर होता है, और इथर तो सेकेंडरी सफिक्स बनने के अधिकारी नहीं है। Right? What I mean to say, yes, sir. They don't have any right, they don't have any अधिकार to become secondary suffix. ऐसा IUPAC ने उनको बना दिया। ठीक है, तो ये epoxy बोलेंगे, secondary prefix की form में लेंगे हम इसको, cyclic ether को, as simple as that. इसको हम ऑक्सीरेन करके भी बोलते हैं, दिस इज ऑक्सीरेन भी बोलते हैं हम लोग। ओके, अब कुछ आई सर, आपने साइक्लिक इथर के ऊपर क्या लिखा है हेडिंग में? इपोक्साइड एक साइक्लिक इथर होता है, साइक्लिक इथर और भी हो सकते हैं, इस ग्रुप को इपोक्सी ग्रुप बोलते हैं, इसको दिस इज इपोक्सी, दो अलग अलग कार्बन जुड़ा हुआ जब भी हो प्रिंसिपल चेन पे तो इसको इपोक्सी बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में इसको हरदम यूज किया जाता है, POXY इपोक्सी। ठीक है, CH3CH CH2, राइट द IUPAC नेम ऑफ ऑल ऑफ दिस, इन सब का IUPAC नेम लिखे आप। नंबरिंग ये आपके सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, कोई सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप बनने वाला तो इधर है ही नहीं, जो लिस्ट आपने सीनियरिटी ऑर्डर में लिखी थी। तो नंबरिंग ऑफ कोर्स इधर से करोगे तो 1-2 इपोक्सी प्रोपेन इसका नाम हो गया, क्या नाम हो गया, 1-2 इपोक्सी प्रोपेन इसका नाम हो गया, वेरी वेरी सिंपल, 1-2 इपोक्सी प्रोपेन इसका नाम हो गया, 1-2 epoxy propane is its name. इसमें दोनों substituent हो गए, छोटा छोटा locant देना है तो इधर से number करेंगे 1, 2, 3, 4, तो 1 पे bromo है और 2 और 3 पे epoxy है, तो bromo पहले आता है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 bromo 2 3 epoxy butane, 1 bromo, let me write, 2 3 epoxy
2-3 epoxy, 4 principal chain में है एटम तो ब्यूटेन बोल देंगे, इधर सब्स्टिट्यूएंट है तो इसकी यहां से नंबरिंग स्टार्ट करें या यहां से, प्रिंसिपल चेन तो यहाँ फिक्स है, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, तो नंबरिंग ऑफ कोर्स छोटी छोटी देंगे तो इधर से स्टार्ट करेंगे 1-3, वहां तो 2-4 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1-3 के ऊपर इपोक्सी है, इन कार्बन एटम का नंबर देते हैं हम लोग, और फिर ब्यूटेन तो आपका हो गया, वेरी वेरी सिंपल, कुछ ज्यादा ही आसान है। डन बच्चों, एक नाम लिख दीजिए आप सभी लोग, कुछ फंक्शनल ग्रुप लगा देता हूं मैं इधर, एक कार्बन और लगा लो, क्लोरीन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा बना लेते हैं, टेल मी द IUPAC नेम ऑफ दिस, टेल मी द IUPAC नेम ऑफ दिस, या फिर इसको मैं इधर कर देता हूं, टेल मी द IUPAC नेम ऑफ दिस, कोई सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है इधर, एल्कोहल भी सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप बन सकता है, थायो एल्कोहल भी बन सकता है, और ये कीटोन भी बन सकता है, लेकिन एल्कोहल थायो एल्कोहल से सीनियरिटी ऑर्डर में सेकेंडरी सफिक्स के लिए सीनियरिटी ऑर्डर होता है, उसमें कीटोन आगे होता है, एल्डिहाइड कीटोन आगे होते हैं, फिर एल्कोहल थायो एल्कोहल बाद में होते हैं, तो सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप आपका ये रहेगा, ओन रहेगा, ओन स्पेलिंग वन वाली ही रहती है लेकिन ओन बोलते हैं, कीटोन है ना IUPAC नेम में। अब सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप तो ये हो गया ओन, ये कोई टर्मिनल ग्रुप तो है नहीं, तो जरूरी नहीं है कि ये एंड पे ही आए चेन के, ये तो बीच में एंड पे कहीं भी आ सकता है, सल्फोनिक एसिड एल्कोहल थायो एल्कोहल कीटोन ये तो कहीं भी आ सकते हैं। अब प्रिंसिपल चेन में मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा होने चाहिए है ही नहीं, फिर कार्बन एटम ज्यादा होनी चाहिए, तो ये प्रिंसिपल चेन हो गई, कोई दो राय है ही नहीं, प्रिंसिपल चेन सिलेक्शन का काम हो गया, अब नंबरिंग का काम है, अब यहां से नंबरिंग स्टार्ट करें, यहां पे खत्म करें या यहां से स्टार्ट करें, यहां से नंबरिंग अगर हम देते हैं तो ऐसी नंबरिंग हो जाएगी आपकी, यहां से नंबरिंग देते हो तो ऐसी नंबरिंग हो जाएगी आपकी, और यहीं से ही नंबरिंग देंगे, क्योंकि नंबरिंग देते टाइम सबसे पहले सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप जो कीटोन है उसको छोटा छोटा नंबर मिलना चाहिए, यहां से 2 नंबर आएगा इधर का, 2 से छोटा नहीं सकता, और यहां पे 6 आएगा, तो हम यही नंबरिंग फाइनल करेंगे जो लिख रखी है, बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट वगैरह का नंबर तो सोचना ही नहीं, अब सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप ने ही डिसाइड कर दिया कि नंबरिंग क्या होगी, आगे सोचने की जरूरत नहीं। ओके, अब ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में आ जाते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स की फॉर्म में आना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है IUPAC नेमिंग के रूल्स के अनुसार। अब हम लोगों ने यहां पर टू कीटोन है, 2 के ऊपर, ठीक है, 4 के ऊपर क्लोरो है, इपोक्सी है, हाइड्रोक्सी है, इसका नाम सल्फेनाइल भी लिख सकते हो, थायो हाइड्रोक्सी भी लिख सकते हो, एंड मरकेप्टो भी लिख सकते हो, याद होगा इसके, मरकेप्टो थायो हाइड्रोक्सी सल्फेनाइल, सल्फो तो SO3H एज सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं,
तो सबसे पहले सी आता है आई थिंक क्लोरो, तो लिख दीजिए क्लोरो फोर पे आया, फोर पे क्लोरो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चाहे आप बाद में अरेंज कर लेना, अननेसेसरी उसमें टाइम खर्च करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूं, चेंज करना पड़ेगा तो कर लेंगे। ई बाद में आता है, सिक्स के ऊपर हाइड्रोक्सी आ गया, और कौन बचा, वन के ऊपर हाइड्रोक्सी, वन के ऊपर हाइड्रोक्सी का है, वन के ऊपर तो थायो हाइड्रोक्सी है, मरकेप्टो थायो ही बोल रहा है, हाँ थायो हाइड्रोक्सी लिखो, मरकेप्टो लिखो। अब मरकेप्टो लिखोगे तो एम से स्टार्ट होगा, थायो हाइड्रोक्सी टी, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आगे पीछे करना पड़ सकता है, वो तो सेकेंडरी चीज है, कोई काम की चीज नहीं है। अब हो गया हेप्ट, कोई मिस तो नहीं हुआ ना, सिंगल बोल्ड है इसलिए एन, लेकिन टू के ऊपर ओन है इसलिए हम लोग बोलेंगे एन का ई हटाकर, वॉल से स्टार्ट हो रहा है इसलिए टू ऑन। दिस इज योर आईपीएसी नेम, यू पीपल अंडरस्टूड इट। एक छोटी चीज लिख लो, नोट रिक्वायर्ड फॉर यू आईयूपीएससी नेमिंग, जेई नीट में नहीं पूछते हैं सब चीजें, आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ पॉलीइथर्स, जिसमें हेटरोस कंपाउंड्स हो, अगर ऑक्सीजन सल्फर सेलिनियम ये सब आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, इस तरह रहे चेन में इधर उधर, आगे चेन को आगे बढ़ा रहा हो, तो इसके लिए हम यूज करते हैं ऑक्सा। जब बहुत सारे ऐसे एटम आ जाएं और प्रिंसिपल चेन का हिस्सा ही हो ये, इसको हम थाया ऐसा ये यूज करते हैं हम। लिखो दीज एटम्स, दीज एटम्स एज ए पार्ट ऑफ प्रिंसिपल चेन, दीज हेट्रो एटम्स एज पार्ट ऑफ प्रिंसिपल चेन, दीज एटम्स हेट्रो एटम्स एज पार्ट ऑफ प्रिंसिपल चेन part of principal chains are counted for word root, counted for word root, counted for word root। अगर इनको substituent की form में नहीं लिया जा सकता आसानी से, तो हम लोग उनको principal chain का हिस्सा मान लेते हैं। जैसे कुछ पॉलीइथर्स मैं ले रहा हूं, जैसे ये तो मैंने एग्जांपल लिया था पहले, तो यहां तो दो ही है, तो इनको तो सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म आसानी से लिया जा सकता है, वन टू थ्री, ये एग्जांपल ले चुके हैं, वन थ्री डाई इथोक्सी प्रोपेन, सर पहले वाला पेज निकाल दो, 1,3 डाइएथॉक्सीप्रोपेन, ठीक है, ये याद करने की इंफॉर्मेशन है। लेकिन अगर मैं बहुत सारे पॉली इथर में बहुत सारे इथर लगा दूं और सभी को साइड चेन की फॉर्म में लेना मुश्किल हो जाए आपका, इस तरह की सिचुएशन में, तो सिर्फ एल्कोक्सी को साइड चेन में नहीं ले पा रहे हो आप इधर, तो एक काम करो कि इनको प्रिंसिपल चेन का हिस्सा मान लो, और
ये जो ऑक्सीजन है इनको ऑक्सा बोलेंगे, और लोकेंड नंबर तो छोटा छोटा ही अच्छा है, तो नंबरिंग हम कहाँ से करें? ऑफ कोर्स नंबरिंग में फर्क पड़ेगा क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहां से करेंगे तो 3 से स्टार्ट होगा, फिर 4 5 6 जाएगा, फिर 9, हाँ सेम ही रहेगी नंबरिंग, छोड़ दो इसमें। तो 3 के ऊपर ऑक्सा है, 6 के ऊपर ऑक्सा है, और 9 के ऊपर ऑक्सा है, तो ये तो आपको मेंशन करना पड़ेगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स में लाना पड़ेगा, 3 6 9 ट्राई ऑक्सा, ये तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में आपको लाना पड़ेगा। और बाकी 11 एटम है तो अनडेक आपका वर्ड रूट हो गया, सारे सिंगल बोन्ड है तो एन, यानी कि ऑक्सीजन एटम भी अनडेक 11 प्रिंसिपल चेन के वर्ड रूट 11 है, अनडेक है तो उसमें ये हेट्रो एटम भी प्रिंसिपल चेन का हिस्सा कंसिडर किए गए। डिड यू गेट इट? Tell me IUPAC name of it. Tell me IUPAC name of it. अब प्रिंसिपल चेन तो एक ही है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब इतने सारे आ गए तो किसी किन किन को एल्कोक्सी लोगे, तो प्रिंसिपल चेन का हिस्सा ही मान लो। नंबरिंग ऑब्वियसली यहां से करेंगे, लोकेंड देख लेना आप, 3 के ऊपर ऑक्सा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ज्यादा ही बड़ा ले लिया मैंने, ये हो गया। 3 के ऊपर ऑक्सा है, 6 के ऊपर ऑक्सा है, 9 के ऊपर ऑक्सा है, एंड 13 के ऊपर ऑक्सा है। उधर से देखोगे तो बड़े लोकेंट आएंगे, तो यही नंबरिंग सही है आपकी, तो 3 6 9 13 क्या हो गया? टेट्रा ऑक्सा, ये तो सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया। अब बताओ क्या बोलते हैं इसको, 16 कार्बन को 11 कार्बन, 11 एटम हो प्रिंसिपल चेन में, या 11 कार्बन एटम हो, एटम या कार्बन एटम कुछ भी, एज वी हैव स्टडीड इन वर्ड रूट, यहां पे ऑक्सीजन भी काउंट हो रहे हैं वर्ड रूट का हिस्सा, तो 12 एटम हो तो 2 डेक यूज करते हैं, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, तो यहाँ पे हेक्साडेक आ गया वर्ड रूट, और प्राइमरी सफिक्स एक एन हो गया, तो ये वर्ड रूट आ गया, ये प्राइमरी सफिक्स आ गया, और ये आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स आ गया, दैट्स ऑल, ये इसका आईयूपीएसी नेम हो गया, ये आईयूपीएसी नेम हो गया, दिस इज आईयूपीएसी नेम, ये पॉलीइथर्स का आईयूपीएसी नेम हो गया। अगर इतने सारे हों पॉलीइथर्स में ऑक्सीजन जिनको लिया ही नहीं जा सके, तो आप लोग क्या करेंगे? ऑफ कोर्स अब इसमें प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करोगे तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऑक्सीजन को उसका हिस्सा लेना ही पड़ेगा, पर नंबरिंग इस तरह करो 4 5 6, तो ये हो गया साइक्लो, साइक्लो हेक्सेन हम बोलेंगे, लेकिन 1 के ऊपर ऑक्सा बोलेंगे हम लोग, तो ये जो हेट्रो एटम है ये सेकेंडरी प्रीफिक्स में आ जाता है। दो ऑक्सीजन है तो इसका कॉमन नेम डाइऑक्सेन भी बोलते हैं। अच्छा, डाई इथाइल इथर, जिसका आईयूपीएसी नेम इथोक्सी इथेन था, ये सॉल्वेंट की फॉर्म में काफी यूज होता है, और ये सॉल्वेंट की फॉर्म में ये साइक्लिक इथर काफी यूज होता है, इसको बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ये मैंने बताया था क्लास में आप लोगों को, ये एरोमेटिक कंपाउंड है,
जो फ्यूरेन है इसमें दो हाइड्रोजन इधर दो चार हाइड्रोजन लगा दोगे तो टेट्रा हाइड्रोजन लग गई तो इसको टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन बोलेंगे, ये फ्यूरेन ये टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, समझ गए नाम से ही। ये तो एरोमेटिक है, आप लोग जानते हैं एरोमेटिक में भी आई टेकन एग्जांपल ऑफ इट। तो टेट्राहाइड्रो ये साइक्लिक ईथर हो गया। तो यहाँ पे प्रिंसिपल चेन में इस ऑप्शन को इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा, नो सेकेंड ऑप्शन लेफ्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब छोटी नंबरिंग यही है। तो ये इसका नाम तो कोई भी बता सकता है डाइऑक्सीन का, व्हाट इज द नेम, 1,4-dioxycyclohexane। तो वर्ड रूट में ऑक्सीजन एटम हेटरो एटम भी काउंट हो रहे हैं, 1,4-dioxycyclohexane। और इसका नाम वन, देखो यहां पे वन लगाओ या मत लगाओ फर्क नहीं पड़ता, इसी तरह यहां पर भी वन लगाओ या मत लगाओ फर्क नहीं पड़ता, जब एक ही हेटरो एटम है तो वो वन पे ही होगा, वन ऑक्सा, वन लगाने की जरूरत नहीं है आईयूपीएसी नेम पे, सिर्फ ऑक्सा लिखो, साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन ऑक्सा साइक्लोपेंटेन हो गया, वन लगाने की जरूरत नहीं है। डन। तो अब मैं कुछ क्राउन ईथर्स लिख देता हूं, नेमिंग ऑफ क्राउन ईथर्स, इसी का ही पार्ट है, साइक्लिक ईथर है, नेमिंग ऑफ नथिंग न्यू, अरे बार पिछला पेज निकालना, क्राउन ईथर्स, क्राउन का मतलब आप लोग समझते हैं सर, इसमें जो फ्यूरेन है इसमें भी ऑक्सा को वन नंबर देंगे ना। हाँ, ऑक्सा को वन नंबर देंगे, पर इसमें वर्ड रूट एन की बजाय डाइन आ जाएगा, पेंटा डाइन आ जाएगा, ऑक्सा तो प्रीफिक्स में आ जाएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स में। नेमिंग ऑफ क्राउन ईथर्स, देखो क्राउन ईथर्स क्या होते हैं, क्राउन ईथर्स में हरदम दो कार्बन एक ऑक्सीजन इस तरह चलता रहेगा, जैसे दो कार्बन हो गए फिर ऑक्सीजन हो गए, फिर दो कार्बन ऑक्सीजन, दो कार्बन ऑक्सीजन, दो कार्बन ऑक्सीजन, इस तरह साइक्लिक ईथर्स हैं, साइक्लिक है। क्राउन मतलब रिंग, इसको आप अपने हेड पे रख सकते हो क्राउन की तरह, क्राउन ईथर्स। इसकी नेमिंग में कुछ बहुत सारे क्राउन ईथर्स बना सकते हो आप, ये बना लो, किसी को अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, क्राउन ईथर्स जनरली दो कार्बन इस तरह बीच में आते रहेंगे, पर क्राउन ईथर्स इस तरह सिमेट्रिकल आपको दिखाई देंगे, और ज्यादा देखो इसमें कार्बन कितने हैं, इसकी आईयूपीएसी नंबरिंग अगर हम करें तो कहीं से भी स्टार्ट करो वन, लेकिन ये सेकेंडरी प्रीफिक्स में आते हैं ऑक्सा, तो इन्हीं से स्टार्ट करोगे, सेकेंडरी छोटा छोटा नंबर अच्छा होता है, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स हो, सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप तो इधर है ही नहीं कोई, 1, 2, 3 कहीं से भी स्टार्ट करो, सिमेट्रिक है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 डन। तो ये क्या हो जाएगा, 1, 4, 7, 10 टेट्रा ऑक्सा
कितने कार्बन हो गए, साइक्लो भी लगाना पड़ेगा, फिर 12 कार्बन हो गए तो डोडेक हो गया, डोडेकेन। इसका आईयूपीएसी नेम लिखते हैं जरा, राइट डाउन द आईयूपीएसी नेम ऑफ इट। आई थिंक लिख लिया होगा आप लोगों ने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो पेंटाडेकेन आपका वर्ड रूट हो गया पेंटाडेक, और सफिक्स एन हो जाएगा पेंटाडेकेन। साइक्लो प्राइमरी प्रीफिक्स हो गया और सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया, 1, 4, 7, 10, 13। 1, 4, 7, 10, 13 कितने हो गए, पेंटा हो गया ना, ये आ जाएगा इधर आपका आईपीएसी नेम। सेकेंडरी प्रीफिक्स तो पहले लिखोगे, ऊपर लिख दिया इसका मतलब ये नहीं है। तो दिस वे यू कैन राइट द आईपीएसी नेम। कुछ और कंपाउंड ले लेता हूं मैं, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ ऑल ऑफ दीज, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ ऑल ऑफ दीज। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, इसमें नॉट इम्पोर्टेंट लिख लें। जस्ट मैं एक लाइट प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ, नथिंग स्पेशल इन इट। तो ये तो हो गया एजा, नाम क्या हो जाएगा, एजा साइक्लो पेंटेन। वन एजा लिखने की जरूरत नहीं है, वन यहां से स्टार्ट करोगे आप लोग, टू यहां दोगे तो टू के ऊपर मिथाइल हो गया, टू मिथाइल एजा साइक्लोपेंटेन। तो यों का यों कॉपी पेस्ट कर देंगे आप, वन एजा साइक्लोपेंटेन लिख दें, या एजा लिखोगे तो भी वन पे रहेगा, 1, 2, 3। सर एजा और मिथाइल में तो सर ए पहले आना चाहिए, यही तो बोला मैंने, ये सब्स्टिट्यूएंट है। अच्छा अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात कर रहे हो क्या, नहीं एजा साइक्लो एल्केन तो में एजा आप लिखोगे वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो फाइन वो आप पहले बाद में लिख सकते हो, नॉट ए प्रॉब्लम। अल्फाबेटिकल ऑर्डर आप देख लीजिए प्लीज, डाई एजा साइक्लोहेक्सेन, थाया साइक्लोहेक्सेन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर आगे पीछे जो भी हो सब्स्टिट्यूएंट वगैरह का वो आप एडजस्ट कर लें। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इज नॉट देयर रिक्वायर्ड फॉर यू, जो आपने अभी लिखा है
बाय चांस कभी काम आ जाएगा आपको थोड़ा बहुत तो मैं आपको बताए, अदरवाइज दैट इज नॉट नीडेड फॉर यू. आपको कहीं असाइनमेंट मटेरियल, कोचिंग मटेरियल्स, इन सब में आपको इनकी प्रैक्टिस नहीं मिलने वाली. ओके मैं ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं कि आपको मल्टीपल बॉन्ड वाले कहीं ना कहीं साइड चेन में लेना मजबूरी हो जाए. वुड यू प्लीज टेल मी द आईयूपीएसी नेम ऑफ इट? वुड यू प्लीज टेल मी द आईयूपीएसी नेम ऑफ इट?